रामपुर विकासखंड परिसर में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। 2 बजे तक 100 बीडीसी सदस्यों ने अपना अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। ब्लॉक परिसर में मड़ियाहू एसडीएम मंगलेश दुबे एवं क्षेत्राधिकारी संत प्रकाश उपाध्याय मौजूद रहकर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने का काम कर रहे हैं। वही ब्लॉक परिसर के बाहर नीलम सिंह एवं राहुल सिंह के खेमे में गहमागहमी मची हुई है। अभी से ही मतदान के लिए समर्थक जीत का कयास लगाना शुरू कर दिए हैं। राहुल सिंह के खेमे में मिर्जापुर के बाहुबली एवं पूर्व एमएलसी विनीत सिंह के पहुंचने से दोनों तरफ के समर्थकों की निगाह उनके ऊपर लगी हुई है। मतदान के दौरान रामपुर एवं बरसठी की पुलिस शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए लगी हुई है। मतदान के लिए जाते बीडीसी का गेट पर ही प्रवेश करने पर इंस्पेक्टर राम भवन यादव मौजूद रहकर वोटर लिस्ट से मिलान कर मतदान स्थल पर प्रवेश करा रहे हैं। गेट पर पीएससी फोर्स भी तैनात है। मतदान बहुत ही शांतिपूर्वक सुचारू रूप से चल रहा है। किसी प्रकार की लाइन वाटर की कोई समस्या नहीं है। मैं और सुनील साहब लगातार बताए रहे हैं, आशा ही चुनाव बहुत ही शांत है। ये मतगणना करते हो 3 बजे के बाद जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि आज 16 ब्लॉकों में मतदान की कार्रवाई हो रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए सभी जगह हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं। अभी जैसे में मुझे ज्ञात हुआ कि केवल 4 मत पढ़ना शेष हैं, अन्य सभी मत पढ़ चुके हैं। अन्य ब्लॉकों पर भी इसी प्रकार की स्थिति है और हमारी जो व्यवस्था 3 बजे जैसा कि आयोग का निर्देश है 3 बजे तक मतदान होगा। 3 बजे के पश्चात जो है 3 बजे काउंटिंग प्रारंभ होगी और मतगणना के बाद जो है यहाँ से सभी अगले वगैरह जो है वो सील होकर चले जाएंगे डबल लॉक में। प्रमाण पत्र जो है वो चूँकि जिला अधिकारी महोदय जो है निर्वाचन अधिकारी भी हैं तो जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से जनपद जौनपुर में वही कलेक्ट्रेट सभागार में विजय प्रत्याशी का प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। पूरी तैयारी कर लेंगे। गिनती सर यही होगी? हाँ, गिनती यहीं पर होगी। आधा घंटे में गिनती हो जाएगी लगभग। क्या प्रत्याशी लोग विजय जरूर दिखाओगे अपने घरों तक जा सकते? नहीं, बिल्कुल हमने स्ट्रिक्टली हमने मना किया हुआ है क्योंकि कोविड गाइडलाइंस भी है। साथ ही साथ जो है निर्देश दिया है कि जरूर वगैरह नाम। ठीक है सर।